जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। तो सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अजमेर से बड़ी खबर है। RPSC के बाहर सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ग्रुप सी और डी का नतीजा जल्द जारी करने की मांग। ग्रुप ए और बी की परीक्षा तो रद्द हो चुकी है, ऐसे में बाकी ग्रुप के नतीजे जारी करने की मांग। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल की अगुवाई में प्रदर्शन। आयोग संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता से हुई वार्ता। जल्द परिणाम जारी करने का भरोसा मिलने पर स्थगित हुआ आंदोलन। आप देख सकते हैं यह आंदोलन किया गया है। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो है वो ग्रुप सी और डी का रिजल्ट जारी करवाने के लिए ये RPSC कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए और अगली खबर है, अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जल्द जारी होगा और चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोडिंग का कार्यकाल कल से शुरू होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव का ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जल्द जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य कल से शुरू होने की संभावना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।